हेलो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट रिलेशन देखिए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जिसमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर गिवन है एक और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है बताना है कि कितना फोर्स इस पे लग रहा होगा डाइपोल पे और कितना टॉर्क लग रहा होगा तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें पता है कि नेट फोर्स ऑन एन डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली जीरो या नल वेक्टर तो फर्स्ट पार्ट यहां से आ गया और टॉर्क वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर होता है तो पी वेक्टर और ई वेक्टर गिवन है मैं एसआई यूनिट्स में तो ये हो गया आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप तो बेसिकली सिंपल सा ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन बंद में कन्वर्ट हो गया जे कैप माइनस के कैप अब इसका क्रॉस निकालना है तो मैट्रिक्स वाले मेथड से कर लो आई जे के और वन टू माइनस वन और ये आ गया जीरो वन माइनस वन तो आई कैप के लिए कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू आई कैप माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप के लिए कितना हो जाएगा आप माइनस वन और जीरो सो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस जे कैप और के कैप के लिए हो गया कि वन इंटू वन माइनस जीरो सो बेसिकली प्लस के कैप दिस न्यूटन मीटर में आंसर आ गया नेट टॉर्क